अगर मैं बात करूं आपके राजनपुर के इस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की, इसमें 804 मनसूबे चल रहे हैं जो कि 20 अरब रुपए की लागत से जो कि कंप्लीट हो रहे हैं। ये हमारी तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका मंशूर है कि पसमांदा जो इलाके हैं उनकी तरफ हमने तरक्की का रुख मोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमने जो परसेंटेज की अपने डेवलपमेंट फंड की, वो हमने रिंग फेंस की है। जितने पैसे इस इलाके का हक हैं वो वापस किसी दूसरी जगह खर्च नहीं हो सकेंगे। और साउथ सेक्रेटेरिएट उसकी हमने बुनियाद रखी है, जिसके लिए आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी यहाँ आपके साथ सामने खड़े हैं। और इंशाल्लाह तमाम जो हमारे सेक्रेटरीज हैं उनकी तकर्री हो चुकी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस साउथ सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी होगा और ये अमली तौर पर अपना काम शुरू करेगी। जहाँ तक बात है आपके राजनपुर के हवाले से कुछ डेवलपमेंट की, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके गुजार करना चाहूँगा। इसमें एक तो इंशाल्लाह अप्रैल से पहले मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो अप्रैल तक आपके राजनपुर के अंदर एक 5 अरब रुपए की लागत से एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एंड नर्सिंग स्कूल कॉलेज यहाँ पे कायम किया जा रहा है और उसके लिए जगह देख ली गई है और उसके लिए फंड्स एलोकेट कर दिए। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपके राजनपुर में इसका हम संगे बुनियाद रखेंगे। और आज हमने 7 जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के मनसूबे थे जो राजनपुर से रिलेटेड थे उनकी हमने संगे बुनियाद रखी है। तकरीबन 1 अरब से ज़ायद उनकी मालियत है जो अभी हमने उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और राजनपुर का एक देरीना मुतालबा था जो हमारे तमाम मुंतखब नुमाइंदे जितने भी हैं, ये मुझे असम्बली से बाहर बार बार ये इनकी एक ही आवाज़ थी कि राजनपुर के लोग जिनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, अब ये पंजाब के आखिरी कोने में हैं, इनको तालीम के सिलसिले में इनको काफ़ी मसाइल का सामना है क्योंकि ये पसमानदा इलाका है और दूर दराज है, बहुत दूर है, यहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का मुतालबा था आपकी आवाम का, लोगों का। तो आज हमने आपके राजनपुर के लिए एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा आपके जो रुझान में गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है तो तहसील हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी हमने अनाउंस कर दिया है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल है राजनपुर का, उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की होनी चाहिए, उसको भी इंशाल्लाह अपग्रेड कर रहे हैं और इसके अंदर ट्रामा सेंटर भी हम बना रहे हैं। आपके फाजिलपुर में, आपके कोट मिठन में रेस्क्यू सेंटर्स नहीं हैं, वो हम इंशाल्लाह इसी साल इनको हम इंक्लूड करेंगे। और फाजिलपुर में और दाजल में रूरल हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको भी हम अपग्रेड करेंगे। आपका सीवर सिस्टम और शहर की जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, यहाँ की जो खूबसूरती है, ब्यूटिफिकेशन है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम आपको पैसे देंगे। इंडस हाईवे की आपने बात की है, ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है जो कि कश्मीर से लेके रमक तक जो जाता है और इसके लिए NHA काम कर रही है। 14 अरब रुपए इसके पहले मरले पे लागत आएगी, वो इंशाल्लाह आपका जो ये पोर्शन है राजनपुर का ये इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ रोड्स हैं जो कि आपके राजनपुर से मुतलका हैं, इंडस हाईवे टू डेरा गुजर, मोहम्मदपुर टू दाजल, कुंभी टू माड़ी, राजनपुर टू हाजीपुर, फाजिलपुर टू सखानी वाला, रुझान सिटी के अंदर और आपके दाजल टू हड़न, सखानी वाला, बरस्ता कोटला शेर मोहम्मद और राजनपुर शहर के अंदर जो स्कीम जो रोड्स हैं जो तकरीबन कोई 8-9 रोड्स हैं, तो इनकी अप्रूवल भी आज हमने दे दी है। और जो 10 यहाँ पे जो बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं ये हम और कायम करेंगे और 20 नए स्कूल्स भी इस इलाके में बनाए जाएंगे। आपका जो माड़ी है जो 5,500 फीट की हाइट पे है, उसको टूरिस्ट हिल स्टेशन भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके लिए जितने जो फंड्स लगेंगे तो वो हम हुकूमत पंजाब उनको फराहम करेगी। आपका सबसे बड़ा जो पैकेज है इस राजनपुर में, जो हेल्थ कार्ड हमने राजनपुर से ही स्टार्ट किया था, वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने स्टार्ट किया था, और अब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहे हैं। उसका मतलब है कि हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा और हर आदमी इंश्योर्ड होगा, उसको सेहत के हवाले से उसको उसके पास कार्ड होगा और वो फ्री अपना इलाज करवा सकेगा। तो पहले मरहले में साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन दोनों उसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें इंशाल्लाह अप्रैल के आखिर तक राजनपुर का कोई बंदा बग़ैर हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी के नहीं रहेगा। और वेटरनरी हॉस्पिटल जो हैं आपके यहाँ पे 34 हम कायम करने जा रहे हैं, जिनकी अभी ग्राउंड ब्रेकिंग हमने की है, तो उससे इंशाल्लाह इस इलाके की लाइफ स्टॉक को फ़ायदा होगा और आपका जो हॉस्पिटल है राजनपुर के अंदर उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है वेटरनरी का। बाकी जो यहाँ पे हमारे 13 दर्रे हैं राजनपुर और डेरा गाजी खान के अंदर पानी जो जिनसे पानी आके ज़ाया होता है, जो हिट करता है, जिससे फ्लड आते हैं, तो उनकी कल DG खान के अंदर इंशाल्लाह हम एक MOU साइन कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ,
तो उसमें उसके नतीजे में जो चार डैम्स होंगे बड़े मेगा डैम्स, तो वो इंशाल्लाह बनाए जाएंगे। और एक डैम जो हुकूमत पंजाब ख़ुद बनाएगी वो इंशाल्लाह इस साल जून तक उसकी हम उस पर काम शुरू कर देंगे। और यहाँ पे जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की असामियाँ 1998 से खाली थी, तो उनके भी पुर करने की अहकाम दे दिए हैं, और पुलिस की भी कुछ असामियाँ हैं जो खाली हैं अभी तक, तो उनके ऊपर भी अहकाम दे दिए हैं, तो वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी पुर कर दी जाएंगी। और इस इलाके को और इस पचात को, इस इलाके लोगों को पीने के पानी की सहूलत के लिए हैंडपम्प्स भी हम दे रहे हैं। और बलोच लेवी का दायरा कार जो एक फोर्स है इस दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो राजनपुर में अभी नहीं है, डेरा गाजी खान के अंदर, उसका दायरा कार भी इंशाल्लाह हम राजनपुर तक बढ़ा देंगे। और ये जो डेवलपमेंट पैकेज होगा, इसके अलावा अभी मैं कोटलीफंड भी जाऊँगा और जामपुर भी मैंने जाना है, तो इंशाल्लाह ये इस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की मुझे बहुत अजीज़ है। और ये जो डेवलपमेंट की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मैंने यहाँ आना है, और इनके लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम दोबारा आएँ और आपके सामने हम सुरखरू हों। बहुत शुक्रिया।